हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। मेरा नाम है अमन। सो गाइस, बिना कोई देरी के वीडियो शुरू करते हैं, जहां हम बात करेंगे क्रिकेट में हुए 10 हाई वोल्टेज फाइट्स के बारे में। नंबर 10 पर जो क्लिप है वो है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच 2013 में हुई एशेज सीरीज के चौथे मैच का, जहां जॉनसन बॉल फेंकने के लिए आते हैं लेकिन केविन पीटरसन साइड स्किन की वजह से क्रीज से दूर हट जाते हैं। इससे जॉनसन गुस्सा होकर बॉल थ्रो कर देते हैं और इसके बाद की गर्मा गर्मी मैदान पर साफ तौर पर देखी जा सकती है। इसके पीछे की एक्चुअल स्टोरी जॉनसन अपनी ऑटोबायोग्राफी में बताते हैं, जहां वो बताते हैं कि इस मैच से पहले वार्म अप के दौरान पीटरसन बार बार जानबूझकर बॉल उनकी तरफ मार रहे थे। इसकी वजह से मैदान के बाहर भी उनके बीच झड़प हो चुकी थी एंड शायद वही गुस्सा मैदान पर भी देखने को मिल गया। ये वीडियो वर्ल्ड कप 2011 के पहले मैच का है, जहां विराट कोहली बांग्लादेशी खिलाड़ी रुबेल हुसैन को वर्बली अब्यूज़ कर देते हैं। वी ऑल्सो नो कि विराट कोहली अपने करियर की अर्ली एज में कितने एग्रेसिव थे। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच राइवलरी अंडर 19 से ही चल रही है, जो अक्सर मैदान पर देखने को भी मिल जाती है। ये इंसिडेंट जनवरी 2013 में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में हुए T20 मैच का है, जहां ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए आखिरी बॉल पर 4 रनों की जरूरत होती है। श्रीलंकन कैप्टन एंजेलो मैथ्यूज फील्डिंग सेट करने में टाइम ले रहे थे, जिस पर मैक्सवेल एंड श्रीलंकन प्लेयर्स में कहासुनी हो जाती है। Body language is pretty universal though. You can work out what those boys are. That is a courageous ball to bowl, that last ball. Two had already gone. You can see the discussion still going. Not happy at all, some of these players. So the series has been 1-2-0 by Sri Lanka. बाद में मैक्सवेल ने ट्विटर पर इस इंसिडेंट पर श्रीलंका टीम से माफी भी मांगी थी। ये क्लिप पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच अगस्त 2014 में हुए थर्ड T20 का है। श्रीलंका की बैटिंग के दौरान अहमद शहजाद और दिलशान में कहासुनी हो जाती है एंड इवन शहजाद दिलशान को धक्का भी मार देते हैं। यू कैन नॉट हैव अ फिजिकल कांटेक्ट विद द ओपोनेंट। इस मैच के बाद का एक और सीन भी सामने आता है, जिसमें खिलाड़ी जब मैदान से बाहर जा रहे होते हैं तब अहमद शहजाद दिलशान को उनका धर्म परिवर्तन करने के लिए बोलते हैं, जो आप इस क्लिप में साफ तरीके से सुन भी सकते हैं। Duckworth Lewis rule, and I'll just explain to people why it is the Duckworth rule, why it is the Duckworth rule, why it is the Duckworth Lewis rule. And Sri Lanka winning by 7 wickets through the Duckworth Lewis rule, and I'll just explain to people why it is the Duckworth rule, why it is the Duckworth rule, why it is the Duckworth. ये इंसिडेंट 2017 में हुई कैरेबियन प्रीमियर लीग का है। पारी के 16वें ओवर में रकीम कॉर्नवॉल बैटिंग कर रहे थे, तब पोलार्ड की बॉल उनके पेट में जा लगती है, जिसके बाद रकीम पेन की वजह से 18वें ओवर में 44 गेंदों पर 78 रन बनाकर रिटायर होकर जा रहे होते हैं। लेकिन इसी बीच पोलार्ड 6.5 फीट लंबे और 143 किलो वेट के रकीम कॉर्नवॉल को ना खेल पाने पर सुनाने लग जाते हैं, जो इस क्लिप में साफ तौर पर देखा जा सकता है। No, that is not in keeping. I suppose the kidding West Indian Rakeem Cornwall was at the center of this controversial incident in the Caribbean Premier League on Friday. And these Pollard is letting him know that that is not in keeping. I suppose you can call it fairness. ये क्लिप 2009 में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए नागपुर वनडे का है। पहली इनिंग के 28वें ओवर में जब धोनी रन के लिए दौड़ते हैं तो जॉनसन उनके रास्ते में आ जाते हैं और धोनी जॉनसन से टकराकर नीचे गिर जाते हैं। वो यार, इसके बाद तो आप धोनी का गुस्सा देख ही सकते हैं। Well, I think Dhoni is upset. He's very upset that Johnson didn't move out of the way. Let's just have a look at that. It's off the back foot, so difficult to take off. Quick work from Ricky Ponting. The collision there. Oh, it'd have been disastrous for India. The director, he'd have been gone. And Dhoni wasn't happy. I have to say that Mitchell Johnson wasn't looking at the batsman, so he had no clue. इस इंसिडेंट के बदले में धोनी अगली ही गेंद पर एक कड़क चौका जड़ देते हैं। बाद में इस मैच में धोनी ने 107 रनों की शतकीय पारी खेली
एंड इंडिया ने इस मैच में ऑस्ट्रेलिया को 354 रनों का टारगेट भी दिया। ये इंसिडेंट एशिया कप 2010 का है। गौतम गंभीर बैटिंग कर रहे होते हैं, सईद अजमल की गेंद पर कामरान अकमल कॉट बिहाइंड की अपील करते हैं, लेकिन गंभीर आउट नहीं होते। इसके बाद ड्रिंक्स ब्रेक में दोनों खिलाड़ियों के बीच कहा सुनी हो जाती है, तभी धोनी बीच बचाव करते हुए हंसते हुए गंभीर को दूर ले जाते हैं। And he's convinced something has happened. Then during the drinks break, words were exchanged. Umpires had to intervene. Dhoni's had to pull Gambhir aside. Chat continued. And Billy Bowden has jumped in there and just settled Matt. ये क्लिप भी सेम मैच का है। मैच की सेकंड इनिंग का 3700 ओवर शोएब अख्तर डाल रहे थे, वो क्रीज पर थे हरभजन सिंह। ओवर की दूसरी गेंद पर हरभजन सिंह शोएब को छक्का मार देते हैं। इसके बाद शोएब अख्तर जब मैच का 49 ओवर लेकर आते हैं तो आखिरी दो गेंदों पर हरभजन सिंह क्रीज पर होते हैं और शोएब उनको दो बाउंसर्स डॉट निकाल देते हैं। इस पर दोनों ही खिलाड़ियों में कहा सुनी हो जाती है। मैच काफी रोमांचक था। आखिरी दो गेंदों पर भारत को जीत के लिए 3 रनों की जरूरत होती है, लेकिन हरभजन सिंह मोहम्मद आमिर की गेंद पर छक्का मार कर भारत को जिता देते हैं। But have a look at this one. What a great finish. In the zone for Harbhajan Sigh. The moment he stroked it, the hands went high up in the air. And what a strike. Harbhajan Sigh, the hero. Harbhajan Sigh, the king. Fantastic pictures. What a game. That wasn't very nice, but ये इंसिडेंट 2007 में इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में हुई वनडे सीरीज का है, जिसमें गौतम गंभीर और शाहिद अफरीदी आपस में भिड़ जाते हैं एंड लिटरली देसी में गाली गलौज करते हैं। शाहिद अफरीदी को धचका भी लगा। गौतम गंभीर जो है वो आंखों में आंखें डाल के बात करना चाह रहे हैं, अफरीदी उनसे आर्गुमेंट करना चाह रहे हैं। अब नजर आ रही है जरूर, ये तो ट्रांसलेट आप ही करेंगे रमीज, लिप रीडिंग आपको आती है? मैंने अगर ट्रांसलेट किया तो बहुत ज्यादा, हाँ, और शायद लोगों को टीवी बंद करना पड़ जाए क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा सेंसरशिप की जरूरत होगी। मुझे नहीं समझ आ रही कि उनको क्या समझा रहे हैं, क्योंकि जो कहा गया है वो तो है। ये क्लिप पाकिस्तान सुपर लीग का है, जहां वहाब रियाज अपनी बॉल पर अहमद शहजाद को क्लीन बोल्ड कर देते हैं एंड फिर इसके बाद का सीन तो आप देख ही सकते हैं। किलर रिस्पांस, ग्रेट क्रिकेट, वो देयर इज अ फिजिकल कांटेक्ट एज़ वेल, वो वो वो, नॉट नीडेड, इट्स हॉटिंग अप, इट रियली इज हॉटिंग अप। Oh, plenty of action and maybe an overreaction and both players. So guys, ये थे वो 10 क्रिकेट के हाई वोल्टेज फाइट्स जिनमें खिलाड़ी मैदान पर भिड़ते हुए दिखाई दिए। इस वीडियो के आने वाले नेक्स्ट पार्ट में आपको और भी एक्साइटिंग इंसिडेंट्स देखने को मिलेंगे, सो मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। फॉर नाउ मी अमन साइनिंग ऑफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।